आई टीच यू क्लास 10th हिंदी ग्रामर, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आज हम फर्स्ट लेसन देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो हम वाक्य भेद कैसे करते हैं, किसके आधार पर, रचना के आधार पर कैसे करेंगे, ठीक है? तो इसको देखिए, वाक्य का स्वरूप। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है, तो हम अपनों का सहारा लेकर भी, देखिए एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं बेटा, हाँ, तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यानी जब हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है तो हम, या किसी से बातचीत करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, वाक्यों का सहारा लेते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है, ठीक है, और हर शब्द का अपना अपना अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई, यानी छोटी से छोटी, उद्देश्य तथा विधेय से बनी, अब उद्देश्य विधेय मैं आपको बताऊंगा बाद में, जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, वह क्या कहलाता है, वाक्य। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य की रचना शब्दों के पदों के योग से बनती है। दूसरा, वाक्य अपने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तीसरा, वाक्य किसी न किसी भाव विचारों को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। तो ये तीन इसकी विशेषता होती है, किसकी, वाक्य की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता है, ठीक है, जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने, देखिए यहाँ कंप्लीट वाक्य है ना, तो ये पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने का भाव स्पष्ट प्रकट करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान दीजिए, मुझे कल दिल्ली जाना है, ठीक, इसी प्रकार से मुझे कल दिल्ली जाना है और फिर परसों से वहाँ से कोलकाता जाना है, इसी प्रकार से देखिए। तो उपर्युक्त वाक्यों में एक एक वाक्य है, दो वाक्य है, तथा तीन दो वाक्यों से मिलकर बना है, तथा चौथा वाक्य किससे बना है, तीन वाक्यों से, यानी एक वाक्य दो वाक्य, दूसरा दो वाक्य हैं, पहले में एक वाक्य, तीसरे में दो वाक्य, ठीक है, तो अलग अलग वाक्यों से मिलकर बने हैं। तो ये ही सभी एक ही वाक्य के नमूने हैं, पर सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अलग अलग तरीके से कह रहा है ना, मुझे कल दिल्ली जाना है, फिर कह रहा है मुझे कल दिल्ली जाना है और फिर परसों वहाँ से कोलकाता जाना है, मुझे सूचना मिली कि कल मुझे दिल्ली, मतलब कहने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, इसी आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में कैसे, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त एंड मिश्र। सरल में देखिए, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, अतः यह एक ही वाक्य होता है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है जाने की, तो जैसे सिंपल लैंग्वेज में, तो उस क्या हो गया, सैंपल। इंग्लिश में आइए, जैसे सिंपल लैंग्वेज है ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तो उसी प्रकार से है ये भी, परंतु जब उसके साथ यह भी जोड़ दिया गया है और फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, तो यह सरल वाक्य नहीं रह गया। अब यह पूरा वाक्य दो अलग अलग वाक्यों से मिलकर बना है, जिसे जाना है और पहुँचना कितनी क्रियाएं हो रही, दो। सरल वाक्य में आने वाली क्रिया आदि अकर्मक हो तो उस वाक्य में कर्म नहीं आता है, जैसे वह सो गया, इसमें क्या है, इसमें अकर्मक है, तो इसमें कर्म है नहीं है। यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्म अवश्य आएगा, जैसे छात्र ने पाठ पढ़ा, तो यह सकर्मक क्रिया है, यानी अच्छा ठीक है। तो यदि सकर्मक क्रिया है और द्विकर्मक है तो दो कर्म आएंगे, जैसे सेठ ने नौकर को पैसे दिए, किसको, नौकर को, और क्या दिए, पैसे दिए। यदि प्रेरणार्थक है तो प्रेरणात्मक आएगा, जैसे अध्यापक ने छात्रों से लिख लिखवाया, ठीक है। तो सरल वाक्य के घटक देखिए, सरल वाक्य के संरचना के धरातल पर दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कर्ता होता है, यानी देखिए उद्देश्य तथा विधेय के बारे में समझिए कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कर्ता होता है। इंग्लिश में आप जानते हो सब्जेक्ट, वह उस वाक्य का उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए क्रिया वह विधेय है। दोनों के योग से ही वाक्य संरचना के आधार पर पूर्ण होता है। जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या हो गया, कर्ता, और प्रेडिकेट क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या बन रहा है, उद्देश्य, और बाकी क्या है, विधेय, ठीक है। तो उस वाक्य का उद्देश्य है और
यानी कि वाक्य के विषय में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उस वाक्य का उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए यानी कर्ता के विषय में जो कहा जाए वह क्या है, विधेय। तो याद रखें उद्देश्य क्या है सब्जेक्ट, और विधेय क्या है प्रेडिकेट। अब आपको समझने में आसानी होगी। तो इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के मुख्य अंग हैं। प्रमुख प्रयुक्त शब्द ऐच्छिक घटक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, इनसे वक्ता का कथन अधिक स्पष्ट होता है। जैसे मुझे कल बच्चों के विद्यालय जाना है, ये ऐच्छिक क्रिया है ना कि मुझे जाना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इसमें घटक वाक्य में क्या हो रहा है, घटक वाक्य में अनिवार्य अंगों के सहायक बनकर ही आते हैं। अब कैसे, इसके अतः उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य पद कर्ता होता है, मैंने बताया है आपको, तथा विस्तार घटक विशेषण या विशेषण पटबंध आते हैं। अब विधेय के अंतर्गत क्या होता है, विधेय के अंतर्गत यानी प्रेडिकेट के अंतर्गत घटक क्रिया, क्रिया का विस्तार विशेष क्रिया विशेषण, कर्म कर्म का विस्तार विशेषण पूरक तथा पूरक का विस्तार आता है। जैसे मेरी बहन 2 दिनों से यह किताब पढ़ रही है, 2 दिन से, तो मेरी बहन यानी ये सब्जेक्ट है ना, तो क्या हो गया उद्देश्य, और बाकी के क्या हो गया, तो इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं इसको सब्जेक्ट, इसको प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी क्या हो गया प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट को हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे विधेय, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हो गया उद्देश्य। अब आपको बेटा पूरा समझ में आ जाएगा, परिश्रम करने वाले छात्र तो ये पूरा सब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है, और ही परीक्षा में सफल होते हैं पूरा विधेय है। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति, देखिए ये बात किसकी हो रही, व्यक्ति की नहीं, तो इसीलिए उद्देश्य है, और सबके मन को भाते हैं क्या है विधेय है, वह यहाँ उद्देश्य हो गया, बाकी क्या हो गया विधेय। ठीक इसी प्रकार से आप चलेंगे लास्ट तक। अब संयुक्त वाक्य में देखिए, संयुक्त वाक्य में तो बेटा इसको इसको धीरे धीरे देख लीजिए पूरा, ये है, चलिए इसको अच्छे से संयुक्त वाक्य में भाई है यानी ज्वाइंट। अब ज्वाइंट संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाव में अलग रूप से स्वतंत्र हो सकता है। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं, यहाँ न कोई उपकार किसी से बड़ा होता है न कोई किसी से छोटा है, इसीलिए संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी, देखिए मोहन दिल्ली जाएगा अगर बात होती तो क्या हो जाता सरल वाक्य, लेकिन यहाँ पर शीला की भी आ गई बात, तो और शीला, तो ये क्या हो गया संयुक्त। यहाँ भी देखिए और संयुक्त, यहाँ भी यदि आप रह सकते हैं या दूसरा सेंटेंस भी डाल दिया तो क्या हो गया संयुक्त, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं और, एवं, नहीं, अन्यथा, सो, अतः, लिंक, किंतु, परंतु, अथवा, या, यानी जहाँ ज्वाइंट हो ये सब ना। तो कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय चिन्हों का लोप भी हो जाता है यानी उसको हटा भी दिया जाता है। जैसे कैसे हटा दिया जाता है, देखिए रहने वाले रहेंगे जाने वाले चले जाएंगे, फिर भी यहाँ पे आया ना दो वाक्य रहने वाले रहेंगे, अब यहाँ और नहीं दिया है लेकिन रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, तो यहाँ दो क्या सोचा था क्या हो गया, देखिए यहाँ भी दो सेंटेंस हैं, तो कभी कोई लोप भी हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तो देखिए बेटा संयुक्त वाक्यों के भेद में संयुक्त वाक्यों के भेद इस प्रकार पर किए जाते हैं, इस आधार पर कि उपवाक्य परस्पर किन संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े हैं। सामान्यतः ये संबंध 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजक, विभाजक, विरोधवाची एवं परिणामवाची संबंध, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर 4 प्रकार के संयुक्त वाक्य होते हैं, तो ये चारों मैंने बताया आपको। अब संयोजक में देखिए, इसमें क्या होता है, जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो कार्यों, व्यापारों और स्थितियों को जोड़ने कार्य करते हैं उसे संयोजक कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी यहाँ और लग गया तथा, तो ये संयोजक हो गया। विभाजक में यानी संयुक्त को अलग अलग खंड में कर रहा है, ठीक है। तो विभाजक को देखिए यहाँ भी यहाँ अलग अलग कर रहा है, जैसे आप पहुँच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूँ, देखिए विभाजक हो गया, या ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, मैं ना आपको पहचानता हूँ ना अपने पिताजी को, देखिए यहाँ समझ में आ रहा है ना, जहाँ या अथवा आए न, ये विभाजक है। विरोधवाचक में क्या है बेटा, विरोधवाचक में देखिए जहाँ पे विरोध हो, अगर मगर परंतु लेकिन, वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, मैं उससे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, तो हो गया ना विरोधवाचक। परिणामवाची देखिए, इसमें आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिला, बाजार बंद है इसीलिए कुछ नहीं मिला, तो यानी बाजार का परिणाम क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा, चुप क्यों बैठा रहा क्योंकि बीमार था, तो परिणाम था ना इसीलिए। अब मिश्र वाक्य देखिए बेटा, तो बेटा मिश्र वाक्य हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, ठीक है, तब तक आप इतना कर लीजिए, ओके, थैंक यू।